तो विलेंसी यू हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर आल्सो, दैट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम, यू हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर, एंड वी हैव डन द विलेंसीज ऑफ सर्टेन एटम्स आल्सो। ठीक है, अब हम फर्स्ट 20 की बात करते हैं, फर्स्ट 20 की विलेंसीज। या बेटे जब आप सीनियर क्लासेस में होते हो ना, ये विलेंसीज नहीं कहा जाता, इन्हें ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इन्हें ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। देखो विलेंसी जो होती है ना, अब चलो हम आई स्टार्ट फर्स्ट, ठीक है, फिर आपको ज्यादा समझेंगे। अब जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन है ना, अब ये देखो इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, हैज वन इलेक्ट्रॉन ओनली। अच्छा, ये लूज करेगा तो कुछ भी नहीं बचना, अगर गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो हाइड्रोजन है ना, वो उसमें खासियत है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। अब ये कंप्लीटली लूज या गेन नहीं करता, ठीक है बेटे, अब ये कंप्लीटली लूज या गेन नहीं करता, ये कभी कभी शेयर भी करता है। तो डिपेंडिंग जो साथ वाला एटम है, बिल्कुल साथ वाला एटम, वो कैसे बिहेव कर रहा था। ठीक है, समझ आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगा दूं ना, तो क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हम ये हाइड्रोजन के ऊपर बोलेंगे कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर यही हाइड्रोजन के ऊपर मैं सोडियम लगा दूं, तो वह हाइड्रोजन ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसी हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आना आ जाएगा। इसे विलेंसी कहा जाता है। विलेंसी देखो, जो मेटल्स होते हैं ना बेटे, उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ही करना। जब हम मेटल्स की बात करेंगे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करना ही है, तभी वो मेटल कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हम हीलियम की बात करें, हीलियम में जो एटॉमिक नंबर 2 है, जिसकी वैलेंस शेल ही कंप्लीट है, ना इसने लूज करना है ना गेन करना है, कोई चीज, कोई एटम, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कब करते हैं, जब उनका ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट नहीं होता। अगर ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट है तो वो लूज या गेन नहीं करते, समझ आ रही है, दे विल नॉट लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हीलियम ने तो कुछ नहीं करना। अब लिथियम की बात करूं, लिथियम की फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 1 है, तो अगर पहले तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे, चलो दे भी दे, चलो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए ऐसे, अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या इसके 3 प्रोटोन ये एक्स्ट्रा 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे, सोचो आप। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख लें, है ना। अब अंदर तो 3 प्रोटोन है और बाहर आप 10 इलेक्ट्रॉन बना रहे हो, 3 पहले थे, 7 और दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो लिथियम क्या करता है, लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव 1 आ जाता है, ठीक है, तब हम इसकी वैलेंसी बोलते हैं बेटे, पॉजिटिव 1 वैलेंसी है। अब ये वैलेंसी आई कैसे पॉजिटिव 1, देखो इसके पास 3 प्रोटोन थे और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, 3 पॉजिटिव, तो कितना पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, देयर इज 1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, इजंट इट, देयर इज 1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, गॉट द पॉइंट। तो इसलिए हम इसके ऊपर पॉजिटिव 1 हमेशा याद रखना है, जब किसी से इलेक्ट्रॉन बेटे बाहर जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। जैसे हम ले मैन लैंग्वेज में आपको सिखाएं, जिस जब किसी में से नेगेटिविटी बाहर आएगी तो उसके करेक्टर में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज है, जब वो बाहर जाएंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, गॉट द पॉइंट, यस और नो, ठीक है। तो अगर 3 प्रोटोन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे,
तो इसने अपना लास्ट शेल को कंप्लीट करना था। अगर लास्ट शेल को बेटे कंप्लीट करना है तो इसके पास दो चांसेस हैं, या तो वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये 1 दे ही देगा, 2 इसको कौन 7 देगा, और 7 ले भी लिया तो ये कैसे होल्ड करेगा। ठीक है, तो लिथियम की वैलेंसी जो होती है बेटे इट इज पॉजिटिव 1। अब आगे आगे बेरिलियम। ठीक है, अब बेरिलियम की कंफिगरेशन क्या है, 2 2। अगेन या तो बेरिलियम को कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे या ये लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो 2 दे दे वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कौन 6 इसको देगा, और कैसे ये इसके पास सिर्फ 4 प्रोटोन है। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास प्रोटोन भी तो 4 ही है, तो 4 प्रोटोन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड कर पाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसके पास क्या वैलेंसी आ जाती है, पॉजिटिव 2 की। समझ आ गई बेटे, तो वैलेंसी क्या आ जाती है, पॉजिटिव 2 की फॉर द पॉइंट शेयर है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज बेरिलियम के बाद नेक्स्ट क्या आता है, बेरिलियम के बाद चलो टेल मी, बेरिलियम के बाद क्या आता है, अरे फटाफट से लिख दो। हाँ, बोरोन। अब बोरोन है बेटे, अगेन बोरोन के पास 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगेन इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन दे। यस तुषार, मैं बस बोरोन ही बोलना था। बोरोन ही बोलना था, चलो बोरोन ने पढ़ भी लिया आपका, सो मेनी बोरोन्स आई गेट। ठीक है, तो ये बोरोन बेटे या तो इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन दे, चलो दे भी दे। बेटे ये कंसेप्ट्स कौन क्यों देता है, कैसे लेता है, वो कंसेप्ट्स आते हैं आयोनाइजेशन इनथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, वो हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में 11th में करते हैं। अभी आप ये समझो कि अगर इसको कोई दे देगा 5 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या 5 प्रोटोन इट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल तो 10 हो जाएंगे, इट्स नॉट बी कैपेबल। तो ये भी क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो नेगेटिविटी कितनी बार गई, 3 की, पॉजिटिविटी तो है ना अंदर 3 की, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज आ जाता है, देन इट विल बी गेटिंग पॉजिटिव 3 चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया कार्बन। अब कार्बन है तो इसकी वैलेंस शेल में बेटे 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो बहुत महान है, इसने ना तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देने और ना ही किसी से लेने। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग हो रही है कोवलेंट बॉन्ड की, अभी तक ये जो जितने 3 करे ना आपने, लिथियम बेरिलियम बोरोन, जब ये किसी एटम के साथ कंबाइन करते हैं ना बेटे, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे के कंबाइन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल रिसीव करते हैं, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और दिस इज नॉट अ मेटलॉइड बेटे, दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज नॉन मेटल, बट ऐसा, बट इट इज नॉट कंसीडर एज मेटलॉइड। ठीक है, दिस बिलीव इन शेयरिंग। ओके, सो मेटल्स जो होते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन देंगे, जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं तो इनके ऊपर चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव अपीयर होना शुरू होते हैं मेटल्स के ऊपर, नॉन जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड बनना, क्योंकि इसमें आयंस बनते हैं। आपके क्या आयन बने, जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आयन बन रहा है, कैटायन। जब कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कौन सा आयन बन रहा है, एनायन। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये आयन्स बनने की वजह से बना। अब कार्बन की बात करें, कार्बन इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा, वो शेयर करेगा। ठीक है, इट विल शेयर। अब जब शेयर करता है तो बॉन्ड का नेम आ जाता है कोवलेंट। ठीक है, कोवलेंट। अब कितने शेयर करेगा बेटे, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और 4 ही किसी के साथ शेयर करेगा। जैसे कि मान लो कि एक के हाथ में कैंडी है और दूसरे हाथ की भी कैंडी है, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया
और दोनों के ही, मैंने कहा कि दोनों में दो दो कैंडीज होनी चाहिए, तो दोनों की दो दो कंप्लीट होगी। अब ये शेयर करता है किसी के साथ, अब डिपेंडिंग किसके साथ शेयर कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा ताकतवर है या उससे कम ताकतवर है, मीन्स द मोर उसके पास जोर है एलिमेंट के बाद। जब हम पावर ऑफ एन एलिमेंट में आपको जैसे फॉर एग्जांपल जो कुछ होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन खींचने, जैसे नॉन मेटल्स है ना वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। अब ये जो कार्बन है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के साथ लगाओ, ये ना चार हाइड्रोजन के साथ, आपको पता है मिथेन है तो ये बेटे फोर हाइड्रोजन के साथ लगाओ, ठीक है। तो इस टाइम इसकी जो हम वैलेंसी बोलेंगे ये नेगेटिव फोर बोलेंगे, क्योंकि इसके पास ये टेंडेंसी है कि मान लो ये चार हाई कार्बन के इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट शेल में, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया इसको, क्योंकि इसके इसके पास टेंडेंसी है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, तो इनके इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव फोर अपियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यही कार्बन अगर मान लो क्लोरीन के साथ लगाओ है ना, फोर क्लोरीन के साथ लगाओ, या कार्बन टू ऑक्सीजन के साथ लगा होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये ऑक्सीजन जैसा एलिमेंट जो कि एक नॉन मेटल है, या क्लोरीन जैसा एलिमेंट जो कि एक नॉन मेटल है, उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो ना ये थोड़े इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब इन टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में सीखोगे, अभी ये सीखो कि इनके पास पावर बहुत होती है कि इलेक्ट्रॉन खींच लें, क्योंकि ये हम नॉन मेटल्स होते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ना ये नहीं कि कंप्लीटली ले लेते हैं, ये सिर्फ अपनी तरफ ड्रिफ्ट करवा लेते हैं, अपनी तरफ इनके आ जाता है, तो इसके ऊपर ना फोर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब इनसे कार्बन से ज्यादा पावरफुल होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म बोलते हैं, तब कार्बन के ऊपर हम कहेंगे फोर पॉजिटिव है। अब जब कार्बन जब जिससे ज्यादा ताकतवर होती है तो हम कहते हैं कार्बन के ऊपर जो वैलेंसी है वो फोर नेगेटिव है, ठीक है। एक्चुअली कार्बन ना इलेक्ट्रॉन दे रही होती है ना इलेक्ट्रॉन दे रही होती है, वो शेयर कर रही है, जैसे कि टग ऑफ वॉर होता है ना, वो रस्सा खींचते हो, तो आप ये एक ऐसा रोप है जो कि इलास्टिक रोप है, जिसमें उस रोप को जो खींच रहा है ना उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जब उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो रहा है, समझ आ रही है। और जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, वो उतना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज अपीयर होना शुरू होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए कार्बन की वैलेंसी आप पॉजिटिव फोर भी बोलते हो और नेगेटिव फोर भी बोलते हो, और डिपेंडिंग उसके साथ कौन लगा है, अगर उसके साथ ऐसा एटम लगा है जो उसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा तो आप उसके ऊपर नेगेटिव फोर अपीयर होना शुरू हो जाता है, अगर ऐसा एटम लगा है जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव फोर अपीयर होना शुरू हो जाता है। व्हाट द पॉइंट, पर करेगा वो शेयरिंग। हाँ जी, एनी डाउट फ्रॉम दिस? थ्री थम्स अप सर, रेस्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट लिसनिंग, वी आर द रेस्ट वन। किसको नहीं समझ आई, जरा एक ये गुरुपाल, क्या नहीं समझ आई गुरुपाल? दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या बेटे, 2 5। अब इफ यू वांट, इफ दिस एलिमेंट वांट इट्स ऑक्टेट टू बी कंप्लीटेड, इधर इट कैन गिव बेटे 5 इलेक्ट्रॉन और इट कैन टेक 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन अदर एटम। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, 5 देने बहुत मुश्किल है अपने, ठीक है। अब से नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएंगे, टिपिकल नॉन मेटल जो कि गेन करना शुरू करते हैं, मींस जब आपकी ऑक्टेट जो लास्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन फोर से ज्यादा हो जाते हैं बेटे, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, गेन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इट विल स्टार्ट गेनिंग। अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो इसका इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले इसके पास
सेवन प्रोटोन थे, सेवन ही इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसके पास सेवन प्रोटोन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका मतलब इसके पास 3 नेगेटिव एक्स्ट्रा हैं। तो इसके ऊपर इसकी वैलेंसी क्या बोलते हैं हम, 3 नेगेटिव, ठीक है। नाउ इट इज नोन एज 3 नेगेटिव, गॉट इट। और जब हम 3 नेगेटिव की टर्म में, इनको 3 नेगेटिव का मतलब क्या है बेटे, ये अब एटम नहीं रहा, ये आयन बन गया, ये एटम नहीं रहा, ये आयन बन गया। तो आयन में इसको नाइट्राइड बोला जाता है, दिस टर्म एज नाइट्राइड, ठीक है। तो सोडियम के साथ जैसे लगे, किसी के साथ भी लगे, तो हम नाइट्राइड बोलते हैं। अब वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो चुका है, उसने अपने किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए है, अब ये इंडिविजुअल नाइट्रोजन नहीं रहा, ओके। फिर उसके बाद क्या आता है बेटे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या आता है, 2 6, अगेन 6 लूज करना बहुत मुश्किल है, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म 2 8 डन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितनी नेगेटिविटी एक्स्ट्रा आई है, 2 की, तो इट विल फॉर्म O2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी क्या है बेटे, 2 नेगेटिव, ओके। अब अगेन ये अब ऑक्सीजन नहीं रहा, ये एक एनायन बन गया जिसका नाम क्या है, ऑक्साइड, ठीक है। नाउ इट इज ऑक्साइड, तभी हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे बोलते हैं। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो अब जब आप किसी को एक कंपाउंड की फॉर्म में ले जाते हो, ये अकेला एलिमेंट था, ये अकेला ऑक्सीजन एटम था, जब इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया किसी से, तो जिससे रिसीव किया वो भी तो साथ में ही लगा हुआ है, तो आप उसका नेम ऑक्साइड बोलोगे, इट इज नॉट ऑक्सीजन नाउ, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, ठीक है, बाय फॉर्मिंग एन एनायन, ओके। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्यों गेन करेगा, ये क्या होता है, 2 7, सो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 1, तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल फॉर्म 2 8। अब ये क्या बन जाएगा, फ्लोरीन से फ्लोराइड विद वैलेंसी नेगेटिव 1, ओके। जो मेटल्स हैं बेटे, उनका नेम नहीं चेंज होता, जो नॉन मेटल्स हैं उनके पीछे जनरली आइड आ जाता है, नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, ऐसे। फॉर द पॉइंट, यस और नो, सो मैनी, बस थम्स अप, गौरव गौरव थम्स अप, बस, एंड आई विल लिसन द सेम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। गुरुपाल, नाउ यू आर पुट इन द वेटिंग, यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। So the next is neon. What is the electronic configuration of neon? Will tell me. What is the electronic configuration of neon? Yes. Yes, Tushar. Ma'am, 2 8. हाँ, 2 8. अब इसकी last shell is incomplete or complete? The last shell is complete or incomplete? Yes. Ma'am, complete. Complete. Does it need any electrons? No, ma'am. No. So it has 0 valency. It doesn't have any kind of combining capacity. It can't combine with any of the metal. That is why these are very much noble. इसे तभी noble gases कहते हैं. Royal gas है, noble gas है. नो, किसी के साथ लेना देना नहीं है. They have their own image. They have their own living. कि हम अकेले ही सही हैं. We are lions. We are nobles. ठीक है. So this doesn't have any kind of valency, any kind of combining capacity. Got it? Now next, after neon. अब इतना समझाने के बाद you will tell me after neon the next is. Yes.
I will not ask Gurupal now. Any other Tushar, Jiya, Janvi ko chhod ke, any other? Okay, Gaurav, yes. What is after neon? Ma'am, sodium. Sodium. Sodium ki electronic configuration kya bete? Ma'am, 281. 281. How many electrons it need to now complete its last shell, that is 281, which is consisting of one electron? How many electron it's need? Ma'am, it has to either give the electrons or have to gain the electron. Can it gain the electron or lose the electron? So can it gain the electron? Rajvinder, you are writing iron after neon. Iron ma'am, it will lose electrons. It will lose the electron. How many electrons it will lose? Ma'am, one electron. Okay, it will lose one electron and thus the valency will be? Ma'am, 28. Valency, I am asking. Sorry, ma'am, valency, ma'am, one. So, the sodium is also having the valency positive one. Now, what come after sodium? Who will give the answer? Yes, dear. Ma'am, magnesium. Magnesium. What is the electronic configuration of magnesium? 2 in K shell, 8 in L shell, and 2 in M shell. So 282 means the last shell is having 2 electrons. Will it receive 6 electrons or it will give 2 electrons? It will give 2 electrons. It will give 2 electrons and thus the valency will be 2 positive. Then the valency will be better. Two positive. Now, next is Manyavid. What comes after magnesium? Aluminium. Aluminium. So, what is the electronic configuration of aluminium? 283. Now, in the last shell, there are 3 electrons. Will it receive 5 electrons or it can give the 3 electrons? It will give the 3 electrons. It will give 3 electrons. Then the valency will be? 3. Positive 3. Theek? Now next, what comes after aluminium? Who will tell now? Yes, Tanvi. Silicon. What is the electronic configuration of silicon? 284. Will it receive the 4 electrons or give 4 electrons? Hurry up. Will it receive the 4 electrons or give the 4 electrons? Yes, Tanvin. G has given the answer. Yes. Ma'am, it will lose 4 electrons. It will lose 4 electrons. Carbon has lost 4 electrons or gained 4 electrons or shared 4 electrons. It is sharing bete. It has tendency to lose also in certain cases, but you remember it has the oxidation state, that is positive 4 or negative 4 both the ways, and it sulfur as the size is very much big, so it can has a tendency of the losing also. Okay, you will do in the higher standards, that is it will make a covalent bond usually. Okay, then after silicon the next is which element? Jiya, Janvi, Manyavid ki ilawa, which element? Yes. No other? Again, the same hands are raising. Dipali, Guleen, Rajvinder, Pritima, Kanish, Harshita,
Where are you? Namnoor has raised the hand before. Namnoor. Now, where are you again, bete? Chalo. Again, we start with Diya and Danvi as there are two. Yes. And phosphorus. Phosphorus. Phosphorus, what is the electronic configuration of phosphorus? And 2, 8, 5. So will it receive the 3 electrons or tendency to give 5 electrons? Ma'am, receive 3 electrons. It will receive, it can form a covalent bond with a more powerful atom. It can form positive 3, it can form positive negative 3, it can form positive 5 also. You will do in the highest standard how it will form positive 5. Then it will be making more clear to you. But ab yaad kar lo, positive 3, negative 3 or plus 5. Theek hai? Plus 5. Kaise? When you, the d block is involved, the d orbitals are involved, then it will be positive 5 also. Now, what is after bete phosphorus? Yes, Namnoor. What is after phosphorus? Yes? Sulfur. What is the electronic configuration of sulfur? 286. 286. Will it give electrons or receive 2 electrons? Give 2 electrons. It will give 2 electrons or receive? It will receive 2 electrons. When sulfur will receive 2 electrons, what will be the valency of sulfur then? Negative 2. So S2 negative. But in the certain books, you will find bete, it is positive 2, positive 4 and positive 6 2. This concept will be also discussed in the higher standard when you will do quantum. Then this concept will be clear to you why they are having positive 2, positive 4 and positive 6. Got it? Now after sulfur, which is the next element? Yes, Tushar. Yes, time is up. Hurry up. After sulfur, ma'am. Which is the next element? Chlorine. Chlorine. What is the electronic configuration of chlorine? 287. 287. Will it receive 1 electron or give 1 electron? 7 electrons. Ma'am, receive.